नमस्कार, मेरा नाम देविका है और मेरे चिकन के लिबास से आपको पता चल गया होगा मैं लखनऊ से हूँ। कॉलेज अटेंड करने के लिए यहाँ आई हूँ। आज जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगी आपको। ये डॉक्टर सुनील जोग, अगर आपने इनका नाम सुना है, इनके द्वारा रचित मुश्किल है अपना मेल प्रिय उस कविता से प्रेरित है। इस कविता में जोग साहब ने नायक और नायिका के बीच जो संबंध है, जो डायनेमिक है, उसे एक बड़े ही हल्के अंदाज में एक हास्य रूप देकर समझाया है। एक पुरुष हैं जो एक स्त्री पर अपना दिल हार बैठे हैं और कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि उनमें और उनकी नायिका में कितना फ़र्क है, दोनों की पर्सनैलिटीज़ कितनी ऑपोजिट हैं और इसी वजह से उनका मेल हो पाना मुश्किल है। द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट शोज हाउ टू पीपल सो ऑपोजिट टू ईच अदर दे हैव बीन ब्रॉट टुगेदर। तो वो कविता जो है एक पुरुष के दृष्टिकोण से लिखी गई है और जो मेरी कविता है उसे मैंने एक स्त्री की नज़र देने की कोशिश की है, अपनी नज़र देने की कोशिश की है। तो मेरी कविता का शीर्षक है मुश्किल है अपना प्रेम प्रिय। मुश्किल है अपना प्रेम प्रिय क्योंकि मेरी स्थिति में हमारा मेल तो वैसे ही नहीं बैठ रहा, कंपैटिबिलिटी तो वैसे ही नहीं है और प्रेम कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। यूँ कहूँ तो प्रेम होते हुए भी बंधा हुआ है, कढ़ा हुआ है, संकोच में है, रिजिडिटी में है, प्रेम खुलकर खिल नहीं पा रहा है। सो बिफोर आई बिगिन जस्ट अ शॉर्ट नोट ऑफ थैंक्स टू द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू मुश्किल है अपना मेल प्रिय फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर तुमने उस दिन मुझे वो कविता ना सुनाई होती, अगर मैं ज़ोर से हंसी ना होती तो आज मैं यहाँ ना होती। तो प्रस्तुत है मुश्किल है अपना प्रेम प्रिय। तुम सीधे साधे पीपल से, मैं उस पे लटकी चुड़ैल प्रिय। तुम कड़क सफ़ेद कॉलर की शर्ट, मैं उस पे चिपकी मेल प्रिय। तुम सीधे सीधे चलने वाले, मेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल प्रिय। सुलझे सुलझे केश तोहरे, मेरे उलझे उलझे बाल प्रिय। तुम कोई शिव योगी से, मैं बाल सुबोध चंचल प्रिय। तुम तो सियाने समझदार, मैं निगोड़ी अड़ियल प्रिय। तुम भोर की चिड़िया से, तुम भोर की चिड़िया से, मैं उल्लू रैन जगती प्रिय। वो दिन का प्राणी है, मैं रात की पशु। तुम भोर की चिड़िया से, मैं उल्लू रैन जगती प्रिय। तुम प्रेम पथ से बचते हुए, मैं तोहे जम के ठगती प्रिय। तुम क्राइम थ्रिलर के प्रेमी, फिल्मों में जॉनरा। तुम क्राइम थ्रिलर के प्रेमी, मैं रोमांस की दीवानी प्रिय। तुम नमकीन सत्तू के शरबत, मैं मीठी रुअफ़ज़ा पानी प्रिय। तुम घने रात का अंधेरा, मैं तुम में चमकता चंदा प्रिय। तुम तीव्र चाणक्य से बुद्धि, मेरा माथा जैसे मंदा प्रिय। मैं डोलती हुई बैलगाड़ी, तुम दौड़ती हुई रेल प्रिय। मैं इश्क जुर्म की कैदी, तुम मेरी तिहाड़ जेल प्रिय। शुक्रिया। तुम शांति के सागर से, चुपचाप। तुम शांति के सागर से, मैं निरा एक सर दर्द प्रिय। बहुत बोलती हूँ, उसको बहुत पकाती हूँ। तुम शांति के सागर से, मैं निरा एक सर दर्द प्रिय। मैं अपनी पसंदीदा औरत, तुम मेरे पसंदीदा मर्द प्रिय। तुम प्रेम ग्रंथ पुराने से, मेरी दृष्टि से तुम कोई प्रेम ग्रंथ पुराने से, मैं उस पे लिपटी धूल प्रिय। तुम पन्ना पलटते हुए पाठक, मैं उसमें छिपा फूल प्रिय। कि जहाँ प्रेम ढूंढोगे मुझे ज़रूर पाओगे। मैं सूखे कोरे पन्ने सी, तुम मुझ पे लिखा शेर प्रिय। मैं खाली एक चित, तुम कहानियों के ढेर प्रिय। मैं थर थर हिलते पत्तों सी, बहुत अनस्टेबल हूँ। मैं थर थर हिलते पत्तों सी, तुम ठहरी एक शाख प्रिय। मैं वर्षों की प्रतीक्षा, तुम परदेसी एक डाक प्रिय। कि बहुत इंतज़ार के बाद मिले हो। मैं ज़्यादा ज़्यादा सोचने वाली, ओवरथिंकर। मैं ज़्यादा ज़्यादा सोचने वाली, तुम मस्त मौला पवन प्रिय। मैं रूखी बिखरी आहूति सी, तुम मेरे पावन हवन प्रिय। तो यहाँ तक तो बात रही मेल की, कि मेल कहीं बैठता है कहीं नहीं बैठता है। अब बात करते हैं प्रेम की, कि मुश्किल क्यों है अपना प्रेम प्रिय। मैं बहती प्रेम नदी सी,
मेरा जो नाम है देविका, जम्मू में देविका नाम की एक नदी है, तो मुझे अपने आप को नदी रेफर करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बहती प्रेम नदी सी, तुम उस पे बैठे साधु प्रिय, ध्यान बद्ध मंद नैन तोरे, दिखता नहीं मेरा प्रेम प्रिय। मैं प्रेम झरने में झरझर, तुम उससे अज्ञात सूखे प्रिय, मैं प्रेम रहा निहारूं, तुम रहते उखड़े रूखे प्रिय। तुम बनते रहो जोगी से, तो तुम बनते रहो जोगी से, झुटला कर अपना मन प्रिय, सिर्फ तुम ही जोगी नहीं, मैं भी प्रेम जोगन प्रिय। शुक्रिया। कभी एक रोज तो सुधरोगे, कभी एक रोज तो सुधरोगे, तुम जो अभी करते हो ना ना प्रिय, जो मैंने तोहरा इंतजार ना किया, तो प्रेम क्या खास जाना प्रिय, इंतजार में भी प्रेम है कि नहीं। तो इसीलिए मुश्किल है अपना मेल प्रिय आज मान लिया, मुश्किल है करना प्रेम प्रिय ये भी मान लिया, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय ये जरूर जान लिया। अंत में यही कहना चाहूँगी कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि वो किसी को पसंद करते हैं, ये एक्सेप्ट करना, ये जता लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि उनमें भावनाएं नहीं हैं या उनकी फीलिंग्स नहीं है, दे हैव जेन्युइन इमोशंस, बस वो अपने आप को किसी का बनने से रोकते हैं, वो खुद को रोकते हैं प्रेम करने से, प्रेम जताने से। दूसरा व्यक्ति अगर उन्हें प्रेम कर रहा है तो उस प्रेम को अपने में सोखने से वो खुद को रोकते हैं। मेरे ख्याल से, अ वेरी हम्बल ओपिनियन, हमें ऐसे व्यक्तियों को हो सके तो वक्त देना चाहिए ताकि वो अपना प्रेम समझ सकें, अपनी भावनाएं टटोल सकें, एंड व्हेन दे ग्रैब अ सेंस ऑफ हाउ दे फील एंड दे हैव इनफ करेज टू लेट देयर फीलिंग्स बी, तब शायद कुछ बात बन जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।